हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका त्यागी है और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मोनिकाज किचन में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सस्ती और स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। भाई, नया साल आ गया है तो कुछ तो मीठा होना चाहिए, और मीठा भी ऐसा हो कि जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड रसमलाई की रेसिपी। आप इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर बनाकर तैयार कर सकती हैं और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस आसान, सस्ती और स्वादिष्ट मिठाई की रेसिपी को। तो इस ब्रेड रसमलाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 व्हाइट ब्रेड स्लाइस। आप इसके लिए ब्राउन या व्हाइट कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकती हैं। 3 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी इस्तेमाल किया है। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। 1.5 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर लिए हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट कटे हुए, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ धागे केसर के इस्तेमाल करूँगी, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। अब सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक कढ़ाई रख लेंगे। कढ़ाई के अंदर हम ये 1/2 लीटर दूध डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पर इस तरीके से चलाते हुए हम इसके अंदर अच्छे से उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा दूध हम यहाँ पर केसर के अंदर डाल देंगे, और साथ ही में हम थोड़ा सा दूध यहाँ पर मिल्क पाउडर के अंदर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हलवाई लोग जो मिठाइयों को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे, और इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। तो इससे पहले हम इसके अंदर यहाँ पर ये चीनी ऐड करेंगे, साथ ही में इसके अंदर ये केसर वाला दूध भी डाल दें। जैसे जैसे केसर इसके अंदर अच्छे से घुलेगा तो केसर का कलर अच्छे से निकलता जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से पकाइए, और 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि दूध हमारा पहले से अच्छा गाढ़ा हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर यहाँ पर ये पिस्ता और बादाम डाल दूंगी कटे हुए, साथ ही में इलायची पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस ऑफ कर देंगे। इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हमारा दूध अच्छे से ठंडा होता है तो या तो आप इस तरीके से कोई कुकी कटर ले लीजिए, या फिर कोई छोटी सी बाउल आप ले लें और इस तरीके से आप अपने ब्रेड को काट कर तैयार कर लें। और ब्रेड से निकले हुए जो किनारे हैं, आप इसे चाहे तो स्नैक्स इत्यादि के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मलाई कोफ्ता बनाते हैं तो आप उसके अंदर भी इसको डालकर अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर आपके जो कोफ्ताज हैं वो तेल के अंदर डालने के बाद फटेंगे नहीं। ये मॉइस्चर को कंटेन करता है तो मॉइस्चर को अपने अंदर सोक कर लेता है। अब इधर हमारा दूध अच्छे से ठंडा हो चुका है तो यहाँ पर हम अपनी रसमलाई को सर्व कर लेंगे। इसे सर्व करने के लिए आप इस तरीके से ब्रेड के स्लाइसेस को प्लेट के ऊपर लगाइए, और इसके ऊपर इस तरीके से आप दूध को अच्छी तरह से फैलाकर डाल दें। और उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े पिस्ता और बादाम से गार्निश कीजिए। उसके बाद आप इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखिए और आप इसे सर्व कीजिए। फिर आप देखिए कि कितनी टेस्टी रसमलाई आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। तो फिर मिलती है एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।